नमस्ते दोस्तों, आज मैं कुछ स्टडी पर्पज से कुछ शेयर आपको शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से आने वाले एक या दो वीक्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूरी है और ये स्टडी पर्पज़ है। इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कि आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं नहीं ले सकते, लेकिन वीकली मैं कुछ चार पाँच शेयर हर मंडे यहाँ से आगे देने जा रहा हूँ, तो ज़रूर ये स्टडी पर्पज़ से आप इसको देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पहला मेरा जो शेयर है इस वीक के लिए या आने वाले एक से दो वीक के लिए वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ने अगर देखा जाए तो ये जो अप रैली स्टार्ट की थी तकरीबन 133 से लेकर 156 तक इसकी रैली में हाई दिया था। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे इसमें 50% तक करेक्शन दिया है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके काफ़ी अच्छी मारीबुजु कैंडल यहाँ पर बनाई हुई है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है आने वाले एक से दो वीक में प्रीवियस हाई जो है 156 क्रॉस करके आगे काफ़ी अच्छा 160 तक जा सकता है। तो अपसाइड इसमें आई थिंक 10% के आसपास है और इसका अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 144 इसका स्टॉप लॉस होगा, मतलब 4 से 5 रुपए नीचे। जब ये स्टॉक निकाला था उस वक्त ये 147 पर ट्रेड कर रहा था। आई हैव टेकन द पोजीशन ऑन पर्टिकुलर दैट प्राइस एंड माय स्टॉप लॉस इज 144। सो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए कोई भी बिजनेस हम लोग करते हैं ना, तो बिजनेस में बर्निंग कॉस्ट होता है, जैसे कि आप रेंट देते हो, इलेक्ट्रिसिटी भरते हो, स्टाफ रखते हो। यहाँ पर ट्रेडिंग में है ना, जो इसको अगर बिजनेस करके देखा जाए तो इसकी बर्निंग कॉस्ट मतलब होता है स्टॉप लॉस। तो इसको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। जब आप सही हो तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख कर आगे काम करना होता है, और जब आप गलत हो तो आपको कम से कम पैसे गवा कर बाहर निकलना होता है। तो ये स्टडी पर्पज से अशोक लेलैंड है। इसके साथ मेरे हिसाब से मुझे इंटरेस्टिंग नवीन लग रहा है। नवीन में भी मेरी खुद की पोजीशन है, लेकिन आपको ये रिकमेंडेड नहीं है, कोई भी रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे भी अगर इसको देखा जाए तो उसने 38% पे अपना करेक्शन पूरा किया है, वहाँ से उसने कुछ रैली दी है और फिर आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी पोजीशन आप ले सकते हो। लंबे समय में इसको अगर देखा जाए नवीन को, तो अप ट्रेंड स्टॉक है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न उसने पिछले 4-5 सालों से दिए हुए हैं। मतलब 700 का 500 का ये स्टॉक 2019 में जो आज बढ़कर 5000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये अप ट्रेंड स्टॉक है। और अप ट्रेंड में और भी अप ट्रेंड इसमें होता है। मेरे पास ये काफ़ी दिनों से है और काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने बनाए हैं। अभी भी इसमें ऊपर जाने की गुंजाइश है। आने वाले एक दो वीक के लिए मैं 38% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका स्टॉप लॉस बनता है। और करंट पोजीशन में अगर इसमें स्टडी के लिए देखा जाए तो डेफिनेटली ऊपर का टारगेट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं एक दो वीक का अगर बात करूँ तो 4900 का टारगेट इसमें आराम से आ सकता है। साथ में और फॉर्मा भी आप देख सकते हैं ये एक दो वीक के लिए। तो आरओ फार्मा ने भी काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे राउंडिंग बॉटम का कह सकते हैं कि आपने ब्रेकआउट देखा है, टेस्टिंग भी हुई है और प्रीवियस हाई तोड़कर भी आगे निकल चुका है। एक्चुअली ये लास्ट वीक में यहाँ पे जब उसने उसका जो करेक्शन है पूरा किया था और ये कैंडल के ऊपर ही इसका बाय था 600 के आसपास, जो आज 662 के आसपास है। लेकिन इसको भी आप देख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसमें इंस्टेंट टारगेट की बात की जाए तो 650, तो यहाँ से लेकर 50 रुपये की अपसाइड 700 तक जाने के इसमें पूरी तरीके से संभावना है। तो ये इसका टारगेट बन सकता है। तो आने वाले दो वीक के लिए आपको इसको भी ऑब्जर्वेशन के लिए रखना चाहिए। फिर मेरे हिसाब से महिंद्रा ने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। सो महिंद्रा रेजिस्टेंस के लेवल पे है। मेरे हिसाब से 1400 से अगर ऊपर ये निकलता है और 2-3 दिन की क्लोजिंग देता है तो ऊपर को क्लोजिंग देता है 1400 के, तो डेफिनेटली इसमें पोजीशन बन सकती है। अभी इसमें पोजीशन नहीं है, बनानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये
ब्रेकआउट हो जाता है तो और 2-3 दिन का क्लोजिंग 1400 एंड अबव आता है, तो मेरे हिसाब से इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं। इसमें अभी पोजीशन नहीं है लेकिन इसमें बना सकते हैं। और एशियन पेंट भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो एशियन पेंट को भी आप देख सकते हैं इस वीक में। तो ये भी रेजिस्टेंस के लेवल पे है यहाँ पर, सो इसका भी ये जो रैली था उसका करेक्शन अगर फिबोनाची में यहाँ पर लगाऊँ तो टेंटेटिवली यहाँ से इसका रैली शुरू हो गया और यहाँ पर इसने 23% पे करेक्शन पूरा किया था और यहाँ पे काफ़ी अच्छी कैंडल बनी थी ब्रेक बॉटम आउट की। और तो ये स्टॉप लॉस से इस कैंडल पे आप बाय बनता था 3100 पे, लेकिन अभी भी अगर आप इसको 3170 के स्टॉप लॉस से प्ले कर सकते हैं, बहुत नज़दीक स्टॉप लॉस है तो दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस भी ट्रेड कर रहा है लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट अगर आ जाता है तो काफ़ी बढ़िया यहाँ से मूवमेंट मिल सकता है, तो इसको थोड़ा वॉच करें। इमीडिएटली पोजीशन नहीं बनाएं लेकिन इसको भी थोड़ा सा वॉच करेंगे तो आपको आगे काफ़ी अच्छा टारगेट इसमें भी मिल सकता है। सो मेरे हिसाब से ये 4-5 स्टॉक्स हैं, इसको आप वॉच करें, आने वाले 1-2 वीक में आपको इसमें मोमेंटम दिख सकता है। और ये जो भी स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए हैं या फिर स्टडी पर्पज़ के लिए दिए तो उसको कोई पोजिशन रिकमेंडेड नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके पोजिशन बना सकते हैं, आपकी स्टडी आपके रिस्क के ऊपर ये डिपेंड करेगा। वी आर नॉट सेबी ऑथराइज्ड एडवाइजर और एनीथिंग, जस्ट स्टडी पर्पस जो भी हम स्टडी कर रहे हैं। आपको अगर इसका कुछ हेल्प होता है तो आगे भी इस पर बात हो सकती है। तो एवरी वीक वी आर गोइंग टू गिव दिस काइंड ऑफ स्टडी पर्पस स्टॉक्स फॉर वीक और 2 वीक के प्रोस्पेक्टिव नज़रिए से, तो इसमें सिर्फ वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, थैंक यू वेरी मच।